एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लिट। माय सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज 10B, जो कि काफी लेंथी एक्सरसाइज है। तो ऑलरेडी हमने दो वीडियोस पे किया है। पहले वीडियो में हमने सम नंबर 1 to 8 तक सॉल्व किया था और सेकेंड वीडियो में हमने सम नंबर 9 to 18 तक सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे सम नंबर 19 से। तो देखो सम नंबर 19 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19। ABC is a triangle, the bisector of the angle BCA. सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ABC मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC is a triangle. 19 नंबर सम जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा और ट्रिकी सम है, ध्यान से समझना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ABC आपका एक ट्रायंगल है जिसमें द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल BCA एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी ये द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA मीट्स AB इन X। AB से वो किस पॉइंट पे मीट करता है, X पॉइंट पे, ठीक है। यहां तक हमने ड्रॉ कर दिया। आगे देखो, अ पॉइंट Y लाइज ऑन CX, CX पे एक पॉइंट है Y, CX पे एक पॉइंट है Y, Y हमने बना लिया, सच दैट AX बराबर AY। इस तरह से ये पॉइंट है कि AX और AY, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में सेम है। आपको प्रूफ करने बोला गया है एंगल CAY, एंगल CAY, तो मैं इसे रेड मार्कर से कर दे रही हूँ। एंगल CAY, CAY, यानी ये वाला एंगल, एंगल CAY इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C का बाइसेक्टर, यानी ये दोनों आपका बराबर है, वो AB से X पॉइंट पे मिट करता है। उसके बाइसेक्टर पे आपको एक पॉइंट Y लेना है, इस तरह से लेना है कि AX और AY का लेंथ सेम हो जाए। और फाइंड आउट करने बोला गया, फाइंड आउट नहीं, दैट मींस मुझे इक्वल दिखाने बोला गया ये दोनों एंगल को। सबसे पहले आओ ट्रायंगल AXY में, इन ट्रायंगल AXY में आपको क्या गिवन है कि AX और AY आपस में सेम है, AX बराबर AY। और अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। यानी ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा एंगल AXY बराबर एंगल AYX, ठीक है। इतना हो गया। हम काफी अच्छा और ट्रिकी है, इसलिए मैं क्या क्या स्टेप ले रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा, ये आपको पता है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखो मेरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी मेरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। तो आप क्या लिखोगे, ए बी या ए एक्स बी लिख दो। ए एक्स बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफोर एंगल ए एक्स वाई, देयरफोर एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल सी एक्स बी या वाई एक्स बी, जो आप लिखना चाहो, वाई एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आपका ए एक्स बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। यही हमने लिखा है, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली एक्स वाई सी भी मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे भी जितना एंगल फॉर्म होगा उसका सम भी 180 डिग्री होगा, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब आप क्या लिखोगे, एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। यानी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल वाई एक्स बी बराबर एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए वाई एक्स, ठीक है। और अभी हमने प्रूफ किया था कि ए एक्स वाई और ए वाई एक्स आपस में सेम है, यानी ए एक्स वाई और ए वाई एक्स आपस में सेम है, सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यानी यहां से आपने प्रूफ कर दिया कि
वाई एक्स बी, वाई एक्स बी यानी ये वाला एंगल, और ए वाई सी, ए वाई सी यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। यहां तक समझ में आया बात? ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, एंगल वाई एक्स बी बराबर एंगल ए वाई सी। ठीक है, इसका नेम दे दो इक्वेशन थ्री। अब देखो आपको ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, ये आपका जो जो ट्रायंगल में उस ट्रायंगल को लो। तो ये वाला एंगल मेरा इस ट्रायंगल में है और ये वाला एंगल मेरा इस ट्रायंगल में, यानी हम इन दोनों ट्रायंगल में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसे किया हमने। अब आते हैं इन ट्रायंगल एक्स बी सी। सबसे पहले एक्स बी सी में आते हैं। एक्स बी सी के तीनों, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री, तो इसके तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसमें कौन कौन सा एंगल है पहले वो लिखो। पहला है एंगल बी एक्स सी, दूसरा है एक्स बी सी और तीसरा है एक्स सी बी। तीनों मिला के कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में आते, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है, जो दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, वो दोनों एंगल आपके जिस ट्रायंगल में प्रेजेंट है आपको उन दोनों ट्रायंगल को लेना है। तो पहला एंगल मेरा इस ट्रायंगल में प्रेजेंट था, हमने इस ट्रायंगल को लिया, और दूसरा एंगल मेरा इस ट्रायंगल में प्रेजेंट है तो हमें इसे लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए वाई सी, इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसमें भी लिख लो कौन कौन सा एंगल है। एंगल वाई ए सी प्लस एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नेम दे दो इक्वेशन फोर, इसका नेम दे दो इक्वेशन फाइव। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फोर भी 180 के बराबर है, इक्वेशन फाइव भी 180 के बराबर है। दैट मीन्स हम इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव वी गेट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे कर रही हूँ देखते जाओ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फिर दोनों को इक्वल करेंगे तो एंगल बी एक्स सी प्लस एंगल एक्स बी सी प्लस एंगल एक्स सी बी बराबर एंगल वाई ए सी। इधर वाला इसे लिखा, अब एल एच एस की तरफ इसे लिखेंगे, वाई ए सी प्लस एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए सी वाई। ठीक है, दोनों को लिख दिया हमें हमने। पहला आपको जिसे जिसे आपको इक्वल दिखाना है, देखो मुझे दिखाना था एक्स बी सी यानी ये वाला, और दूसरा वाई ए सी, वाई ए सी यानी ये वाला। इसके अलावा बाकी दोनों को आपको हटाना पड़ेगा, और वो कैसे हटेगा तो देखो इक्वेशन थ्री में देखो, मैंने वाई एक्स बी को, वाई एक्स बी को ए वाई सी के बराबर प्रूफ किया था, और ए वाई सी मेरा ये रहा। और आप चाहे वाई एक्स बी बोलो, वाई एक्स बी बोलो, चाहे सी एक्स बी बोलो, बात सेम है, यानी ये दोनों, तो ये दोनों सेम सेम है, कैंसल हो जाएगा, एक पेयर कैंसल हो गया। अब सेकेंड देखो, इसे भी मुझे हटाना है, ये वाला और ये वाला, तो ये भी आपका कैंसल हो जाएगा। कैसे कैंसल हो जाएगा, पहला एंगल है एक्स सी बी, एक्स सी बी दैट मीन्स ये वाला एंगल, और दूसरा है बच्चों ए सी वाई, ए सी वाई यानी ये वाला एंगल, और ये दोनों भी तो सेम होगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में गिवन था कि सी एक्स जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन बोथ आर इक्वल, ये दोनों एंगल सेम है, यानी ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, यानी यहां से बचेगा मेरा एंगल एक्स बी सी बराबर एंगल वाई ए सी। हाँ, यहाँ कट करते समय आप लिख देना कि दिस बराबर दिस फ्रॉम इक्वेशन थ्री, और इसके प्लेस में लिखना बिकॉज सी एक्स बाइसेक्ट एंगल सी। समझ में आया, एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले तो आपको ए एक्स और ए वाई बराबर गिवन है, तो उस बेसिस पे मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ, है ना। अगर दो साइड बराबर है तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है, उस बेसिस पे मेरा ये दोनों भी बराबर प्रूफ हो जाएगा। कैसे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 से माइनस करके, और ये भी 180 से माइनस करके, तो ये दोनों भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। ठीक है, अब आ जाएंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इसमें दिस प्लस दिस 180, इसमें भी दिस प्लस दिस
180, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो दो एंगल कैंसिल हो गया, बचा तीसरा एंगल, वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे किया तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट होगा अगर तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 20। नेक्स्ट देखो नंबर 20 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए आई एंड आई बी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी एंड सी बी ए। सी ए बी दैट मीन्स इस एंगल का बाइसेक्टर है ए आई, और सी बी ए दैट मीन्स इस एंगल का बाइसेक्टर है बी आई। क्लियर? आगे क्या गिवन है, CP is parallel to AI and CQ is parallel to BI. CP जो है वो AI के parallel है और CQ जो है वो BI के parallel है। आपको प्रूफ करना है PQ जो है वो ABC के perimeter के बराबर है। That means अगर मैं AC, BC और AB को प्लस करूंगी तो उसका लेंथ PQ के लेंथ के बराबर होगा। ये मुझे प्रूफ करने बोला गया। क्वेश्चन सुन के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है कैसे करना है, बट मैं हूं तो डरने की क्या बात है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो मुझे किसे किसे पैरेलल गिवन है, पीसी और एआई को पैरेलल गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो एआई बाइसेक्स एंगल, पूरा नेम दे दो सीएबी, है ना। एआई जो है वो एंगल सीएबी को बाइसेक्ट करता है, देयरफोर एंगल सीएआई बराबर एंगल बाइसेक्ट करता तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाएगा, सी ए आई बराबर एंगल आई ए बी, इसे लेट कर लो एक्स। सिमिलरली आपका बी आई बाइसेक्ट करता है बच्चों एंगल सी बी ए को, सी बी ए को, देयर फोर एंगल सी बी आई, एंगल सी बी आई इक्वल एंगल आई बी ए, इक्वल एंगल आई बी ए, इसे हम लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, आसानी होगा आपको। अब आते हैं ए आई और सी बी, ये मुझे क्या गिवन है पैरेलल। ए आई और सी पी क्या गिवन है मुझे पैरेलल। ए आई एंड सी पी इज पैरेलल, एंड देखो ए आई और सी पी पैरेलल है और आपका सी ए एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, एंड सी ए इज ट्रांसवर्सल। अच्छा मैं दोनों एक ही बार में लिख दे रही हूँ। देखो सी आई, सी आई लिखा क्या मैंने, ए आई, ए आई और सी पी पैरेलल है, ध्यान से देखना, ए आई और सी पी पैरेलल है और सी ए और पी ए दोनों ही ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है ना। दो लाइन पैरेलल है, एक ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों ही एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो दोनों एक ही बार में लिख लो, ए आई एंड सी पी इज पैरेलल एंड सी ए एंड पी ए इज ट्रांसवर्सल, देयरफोर। अब देखो ध्यान से समझना, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफोर दिस एंगल एंड दिस एंगल जेड फॉर्मेशन है ना, ऐसे। यानी आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा बच्चों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और वो आपस में सेम होगा। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए बराबर एंगल सी ए आई, सी ए आई दोनों ही कितना होगा बच्चों एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स लेट किया था, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। देखो सी ए आई को हमने एक्स लेट किया था तो ये भी हो गया आपका एक्स, और यहां रीजन में दे देना इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, अब अगेन फिर देखना, सी आई और ए आई आपका पैरेलल है और पी ए एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपका कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग, तो ये भी बराबर होगा। अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल सी पी ए बराबर एंगल आई ए बी इज इक्वल टू एक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना।
तो ये भी आपका x हो गया, PCA भी आपका x हो गया और CPB भी आपका x हो गया, इस ट्रायंगल में ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड सॉरी दो एंगल सेम होता है उनके अपोजिट साइड भी सेम हो जाएंगे, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये दोनों साइड CA बराबर PB, ये क्या इंप्लाई करेगा, CA बराबर PA, PB बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, CA बराबर PA। सिमिलरली इस तरीके से आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो, CB बराबर QB, तो आप सिमिलरली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, और करना चाहो तो कर देना, मैं यहां सिमिलरली लिख दे रही हूं, एकदम सेम वे से है तो आपको खुद ही करना है, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। जैसे मैंने इस तरफ किया, यहां वायलेट किया, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, तो सेम वे से होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिस एंगल बराबर दिस एंगल वाई, कौन सा एंगल होगा आपका, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर आप क्या लिखोगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों भी वाई, कौन सा एंगल होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी वाई और ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, तो आपका ये दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, सिमिलरली एंगल बी सी ए बराबर एंगल सी क्यू बी वाई, सो आपका बी सी, बी सी और क्यू सी, क्यू सी बोल रही हूँ सॉरी क्यू बी, बी सी और क्यू बी आपका सेम हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड यानी बी सी और क्यू बी सेम हो जाएगा, यानी ये इंप्लाई करेगा बी सी बराबर क्यू बी। अब फायदा क्या हुआ हमें, इन दोनों को तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, आपको पेरीमीटर बोला था, अब आ जाओ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आ जाओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहो तो क्या होगा बच्चों, एबी प्लस एसी प्लस BC है ना, तीनों साइड का सम होगा। AB के प्लेस में तो हम AB ही लिखेंगे, AC, AC के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, PA, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था AC को PA के बराबर, और BC के प्लेस में हम क्या लिखेंगे बच्चों, QB, यानी AB प्लस PA प्लस QB, यानी मिला के कौन सा लेंथ हो गया, PQ, यानी पेरीमीटर किसके बराबर हो गया, PQ के। समझ में आया कैसे किया, पहले इस दोनों ट्रायंगल्स में लाइंस एंड एंगल का प्रॉपर्टी यूज करके हमने इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया, सिमिलरली इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया और फिर पेरिमीटर निकाल दिया। तो जैसा मैंने यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल वाला पार्ट लिखा था, ये पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप किया, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप शो करना चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे किया सेम टू सेम कर लेना, और कैसे किया है मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में करके बताना, बिकॉज अगर आप ये पार्ट खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मुझे डाउट लगेगा कि मैंने ठीक से नहीं समझा, इसलिए मैं इसे आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, आप इसे खुद से करोगे, अदरवाइज आप ऐसे भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर 13, नेक्स्ट देखो नंबर 21, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, कैसे कि आपको समझा देती हूँ। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, ए बी सी आपका एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसका ए बी और ए सी साइड इक्वल है, बी सी को आपको डी तक प्रोड्यूस करना है, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि ए सी और सी डी का लेंथ सेम रहे, डी ए को ज्वाइन करके ई तक एक्सटेंड करना है ताकि एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होगा ई ए बी उसका मेजर होगा बच्चों 108 डिग्री, जो मुझे गिवन है, आपको फाइंड करने बोला गया है कि एंगल ए डी बी यानी इस एंगल का मेजर कितना होगा, ये आपको फाइंड करने बोला गया है। आई बात समझ में, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी में, क्योंकि ए बी डी का ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसमें आपका कंसेप्ट लगेगा, आपको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के, यानी ये इस एंगल का मेजर जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर यानी इसको छोड़ के इधर वाला अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी
बराबर होगा एंगल बी ए ई के, यानी 108 के। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्या बोला हमने, ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला और ए डी बी यानी ये वाला, दोनों का सम होगा एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या गिवन है, ए बी सी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल आपका बराबर है। एंगल ए बी सी बराबर है बच्चों ए सी बी के। ठीक है, ए बी सी बराबर है बच्चों ए सी बी के, यानी ए बी सी बोलो चाहे ए बी डी बोलो, इसके प्लेस में हम ये वाला एंगल पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी अगेन अब आप पुट कर दो, इसका नेम दे दो इक्वेशन टू। देयरफोर लिख दो पुटिंग, छोड़ो ऐसे करो, देयरफोर एंगल ए बी डी के प्लेस में आपको क्या लिखना है, ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। यहां रीजन में लिख देना, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, आई बात समझ में? ये वाला हो गया। देखो चाहिए आपको ए डी बी, चाहिए आपको सिर्फ ए डी बी, अदरवाइज आपको सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे किसी का भी वैल्यू पता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी डी को पहले ए सी बी में कन्वर्ट किया, अब हम ए सी बी भी हटाना चाहते हैं ना। फाइनली मुझे सिर्फ ए सी ए डी बी चाहिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, फाइंड ए डी बी, अदरवाइज जो भी है, पहले हमने इस एंगल को इसमें कन्वर्ट किया, अब हम इसे निकालेंगे। एंगल ए सी बी अगर आप निकालना चाहो, अगर आप ए सी बी निकालना चाहो तो देखो ए सी बी जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी ए सी बी जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी के। ए डी सी चाहे ए डी बी बात वही है ना, ये जो है इन दोनों के सम के बराबर है और ये दोनों एंगल इक्वल होगा बच्चों। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो ए सी और सी डी साइड सेम है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते, इक्वल हो जाते है ना। तो अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी बराबर टू एंगल ए डी सी, और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सी ए डी बराबर एंगल ए डी सी सिंस ए सी बराबर सी डी, यानी ए सी बी का वैल्यू हमने निकाल दिया 2 ए डी सी। अब इसके प्लेस में पुट कर दो, ए सी बी के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए डी सी। ए डी सी बोलो चाहे ए डी बी बोलो, बात वही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ए डी सी है यहाँ पे ए डी बी है। ए डी सी लिखो चाहे ए डी बी लिखो, बात इसी एंगल का हो रहा है। ठीक है, इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। अब लिखना फ्रॉम 3 and 2 वी गेट, 3 and 2 नहीं, इसका नेम दे दो 3, इसका नेम दे दो 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट एंगल ए सी बी के प्लेस में हम लिखेंगे 2 एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 108, यानी 2 और 1 हो गया 3, 3 एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 108। यहाँ से ए डी बी निकालोगे तो 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18, 36 डिग्री। एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम ये बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ए बी डी में, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है ना, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। आपको ये फाइंड आउट करने बोला तो इसे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, अननोन है वो, इसे मुझे ए बी डी को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी डी के प्लेस में ए सी बी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है एज ए बी और ए सी साइड सेम है। तो मैंने क्या किया, ए बी डी के प्लेस में मैंने ए बी ए सी बी लिख दिया, देखो ए सी बी लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने, इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में चेंज कर दिया, बट मुझे अब ए सी बी भी रिप्लेस करना है क्योंकि सिर्फ ये चाहिए, ये भी अननोन है। तो इसके प्लेस में मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस लिख दिया। एक्सटीरियर एंगल का सम 2 इंटीरियर के बराबर है, दिस प्लस दिस लिख दिया और ये दोनों सेम है तो इसके प्लेस में भी आप ये वाला एंगल लिख सकते हो, यानी वहां से ए सी बी का वैल्यू आ गया 2 एंगल ए डी
बी, यानी टू एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए डी बी मिलकर कितना हो गया बच्चों, थ्री एंगल ए डी बी। समझ में आया कैसे मैंने कन्वर्ट किया और यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। आप देखो नेक्स्ट नंबर 21। देखो नंबर 22 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle. ABC आपका एक equilateral triangle है जिसका तीनों साइड का लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या बोला गया है, DE जो है वो BC साइड के पैरेलल है, DF जो है वो AC साइड के पैरेलल है, EG जो है वो AB साइड के पैरेलल है, ठीक है। और DE that means DE plus DF ये वाला plus EG, ये तीनों साइड का सम मुझे गिवन है 20। आपको ये, यानी कहने का मतलब डी ई जी एफ आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जिसके तीन साइड का सम आपको गिवन है, चौथा साइड आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मुझे गिवन है ए बी सी एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मींस उसका हर एक एंगल कितना होगा 60 60 60, है ना। तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब देखो मुझे क्या गिवन है, सबसे पहले आते हैं, हमें सबसे पहले तीनों ट्रायंगल को इक्विलैटरल शो करना होगा और कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो बी सी और डीई क्या है, पैरेलल है, BC and DE are parallel, ठीक है। BC और DE parallel है और BD और EC as a transversal work कर रहा है, तो this angle and this angle क्या हो जाएगा बच्चों, corresponding angle। Similarly this angle and this angle क्या हो जाएगा बच्चों, corresponding angle, और वो बराबर होता है, यानी अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, सिमिलरली अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, BC एंड DE आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल DBC बराबर एंगल ADE इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन में लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंगल ECG बराबर एंगल AED, एंगल ECG बराबर एंगल AED ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो आते हैं ट्रायंगल ADE में जिसका दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, 60 प्लस 60 120, 120 को 180 से माइनस करोगे 60 होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल ADE एंगल ADE बराबर एंगल AED बराबर एंगल DAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, यानी ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये इंप्लाई करेगा AD बराबर DE बराबर AE। क्लियर। ये तीनों को, तीनों सेम होगा और इसे आप लेट कर लो, ये किसके बराबर है बच्चों X, इसे हमने लेट कर लिया, ये किसके बराबर है X, ठीक है। इतना समझ में आया, सेम टू सेम जैसे हमने इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ किया वैसे हमें इस ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल प्रूफ करना है और वैसे इस ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल प्रूफ करना है, तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, तो ये मैं इरेज करती हूं बिकॉज अटेगा नहीं, अच्छा यहां पे लिख देती हूं सिमिलरली ट्रायंगल डी बी F is equilateral, therefore उसमें भी आपका DB side बराबर हो जाएगा BF side के, बराबर हो जाएगा DF side के, और इसे आप लेट कर लो Y, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला erase कर रही हूँ, अगर screenshot लेना है तो फटाक से ले लो। तो बोर्ड erase कर दिया मैंने, जैसे हमने इसके तीनों side को equal proof किया वैसे सिमिलरली ये वाला तीनों इक्वल प्रूव होगा और वैसे सिमिलरली तीनों ये वाला इक्वल प्रूव होगा। बार बार आपको शो करने का जरूरत नहीं है, एक को प्रूफ कर देना, सेकंड के लिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं। अगेन आप क्या लिखोगे, सिमिलरली ई जी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल है, देयरफॉर ई जी बराबर जी सी बराबर ई सी, इसे लेट कर लो जेड।
यानी हमने पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को x लेट किया, इसे x x x, इसके तीनों साइड को हमने y लेट किया और इसके तीनों साइड को बच्चों हमने z लेट किया। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन है कि ए बी बी सी ए सी सब 15 है, यानी ये पूरा 15, यानी मैं बोल सकती हूँ x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 15, इक्वेशन 1 है ना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और सिमिलरली यहां से अगर मैं निकालू x प्लस जेड तो उसका वैल्यू भी हो जाएगा बच्चों 15, x प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 15, इक्वेशन 2 दे दो। और इसमें देखो, ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका z है ना, इसका वैल्यू आपको दिया था 20, दिस प्लस दिस प्लस दिस का वैल्यू आपको दिया था 20, तो आप क्या लिखोगे, नेम लिख दो DE प्लस DF प्लस EG आपको गिवन था 20, तो इसकी जगह में आप लिखो X, DE DE X है, हाँ ठीक है, DF DF Y है, X प्लस Y प्लस Z का वैल्यू है 20। अब देखो X प्लस Y है मेरा 15, तो इसके प्लेस में डायरेक्ट हम लिखेंगे 15, 15 प्लस z आ गया बच्चों 20, यहां से अगर मैं z निकालूंगी तो 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5, तो z आ गया मेरा 5। ठीक है, z आ गया, आपको z पता चल गया, अगर y भी पता चल जाएगा तो दोनों को प्लस करोगे और 180 से माइनस करोगे, 180 बोलिए सॉरी 15 से माइनस करोगे, आपका काम हो जाएगा। तो z पता चल गया मुझे 20 माइनस 15 5, z पता चल गया। अब x निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो z का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी 10, x आ गया 10, और y भी आप निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू x का वैल्यू यहां पुट कर दो, x कितना आया था बच्चों 10, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी कि 5। देखो x y z मेरा तीनों का तीनों पता चल गया, बस अब आप निकाल लो fg, fg कैसे निकालोगे, तो 15 BC आपका 15 है ना, तो FG निकालने के लिए आपको BC में से this minus this करना पड़ेगा, है ना, BC में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा, तो FG is equal to BC minus BF plus GC, BC है बच्चों 15 और BF यानी कि Y हमने निकाला था 5 और Z भी हमने निकाला था 5, 5 प्लस 5 10 यानी 15 माइनस 10 कितना आया 5 सेंटीमीटर, कितना इजी था। तो क्या किया हमने, पहले तीनों ट्रायंगल को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ किया और उसके बाद दिस प्लस दिस का वैल्यू 15, दिस प्लस दिस का वैल्यू 15, जो कि मुझे गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड 15 गिवन था, और ये भी साइड मुझे गिवन था x प्लस y प्लस z 20, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो लेट करने से आपका ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 23। नेक्स्ट देखो बच्चों 23 क्या है, इफ ऑल द थ्री एटीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। एक ट्रायंगल है जिसका तीन आपका ऑल्टीट्यूड है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो ए बी सी, ऑल्टीट्यूड दैट मींस 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर। पहला है आपका बी डी, अच्छा पहला ले लो आप ए डी, ए के संग डी, ए डी, दूसरा ले लो बी ई, तीसरा ले लो सी एफ, ये भी 90 है बच्चों, ये भी 90 है बच्चों, और ये भी 90 है, तीनों एल्टीट्यूड आपका इक्वल है, आपको इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करना है, बस कुछ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंसी वाला यूज करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखा के आपको दो दो ट्रायंगल को आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आओ, सबसे पहले आते हैं हम ट्रायंगल बी ई सी, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, बी ई सी एंड ट्रायंगल बी एफ सी, ये बी एफ सी में इन दोनों को हम कंग्रुएंट शो करेंगे और इसका दो एंगल इक्वल दिखाएंगे। अगर आप तीनों एंगल इक्वल दिखा देते हो ट्रायंगल का तो इक्विलेटरल हो जाता है, तो इस इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करके हम दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे। तो आ जाओ इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी एफ सी में, पहला तो बी ई बराबर एफ सी होगा जो मुझे गिवन है, क्या लिखोगे बी ई बराबर एफ सी, दूसरा बी सी इज
कॉमन, दूसरा क्या लिखोगे, बी सी इज कॉमन, दो साइड मिल गया। तीसरा देखो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, एंगल बी एफ सी बराबर एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी बराबर एंगल बी एफ सी। कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, दो साइड और एक एंगल देख के। साइड एंगल साइड मत लिख देना क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड है। देखो ये 90 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस और एक साइड है ना। तो ट्रायंगल बी ई सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी एफ सी बाय आर एच एस, दोनों कंग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से मेरा एंगल बी और एंगल सी सेम हो जाएगा, यानी मैं क्या बोलूंगी, एंगल एफ बी सी बराबर एंगल ई सी बी बाय सीपीसीटी। इन दोनों को हमने सीपीसीटी से कंग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट शो किया, वैसे ही हम एफ ए सी, यानी मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं एफ ए सी, ये वाला एफ ए सी, एफ ए सी और डी ए सी, यानी कि ये वाला डी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल को भी कंग्रुएंट शो करके आप एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। कैसे कंग्रुएंट दिखाओगे, तो पहला आप क्या लिखोगे, डी ए, डी ए बराबर ए एफ है ना, ए एफ बोल रही हूँ, सॉरी एफ सी, डी ए बराबर एफ सी गिवन है। दूसरा आपका ये वाला, ये 90 है और इसमें आपका कौन सा बच्चों 90 है, ये 90 है, और दोनों में ए सी साइड कॉमन है। सेम यही क्राइटेरिया यूज करके आप इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। लिखने का दरकार नहीं है, बस सिमिलरली यूज करना है। आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, और ट्रायंगल पकड़ना कैसे, तो पहली बार देखो हमने ऐसा ट्रायंगल लिया था जिसमें एक ही साइड से दो ट्रायंगल बन रहा था, बीसी से ही आपका बीसीई और बीसीएफ बन रहा था। दोबारा बार भी हमने वैसे ही किया है, एसी साइड से ही आपका दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एसीएफ और एसीडी है ना, ध्यान रखना। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों भी कंग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल इसमें है आपका ए सी एफ में एंगल ए है और ए सी डी में एंगल सी है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल सी एफ सी ए एफ के, सी ए एफ के। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल बी को एंगल सी के बराबर प्रूफ किया और एंगल सी को एंगल ए के बराबर प्रूफ किया। देखो बी को सी के बराबर और सी को ए के बराबर, यानी बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते कि तीनों आपस में सेम होगा। तो ये इंप्लाई करेगा एंगल बी इक्वल एंगल ए इक्वल एंगल सी, यानी ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में, कैसे किया, पहले हमने बीसी साइड पे बनने वाले दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किया, सिमिलरली एसी साइड पे बनने वाले दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किया और वहां से मेरा तीनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 24। नेक्स्ट देखो 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, मैंने ड्रॉ कर दिया एबीसी एक ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों पार्ट आपका इक्वल है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, हाँ, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीएसी मीट अपोजिट साइड बीसी एट पॉइंट डी, BAC का जो बाइसेक्टर है वो BC पे D पॉइंट पे मीट करता है। आगे आपको क्या बोला गया है, थ्रू वर्टेक्स C, C वर्टेक्स से आपको AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB को E पॉइंट पे टच करेगा। प्रूफ करने क्या बोला गया है, ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार और समझा देती हूँ। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A का जो बाइसेक्टर है AD वो BC को D पॉइंट पे टच करता है, क्लियर। AD के पैरेलल हमने C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि AB को E पे
टच करता है, आपको प्रूफ करना है कि AEC दैट मींस ये वाला ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है या तो आप उसके दो एंगल को इक्वल दिखा दो या दो साइड को इक्वल शो कर दो। ठीक है, सबसे पहले देखो AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस हम लेट कर लेते दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, ये भी x और ये भी x। देयरफोर एंगल BAD इक्वल एंगल DAC इज इक्वल टू x लेट। ठीक है, हमने दोनों को x लेट कर लिया। अब आते इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में नहीं सॉरी, अब देखो AD और CE जो आपका पैरेलल है, जहां भी आपका पैरेलल लाइन आ गया वहां आपका लाइंस और एंगल्स एंड लाइन का प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, AD और CE आपका पैरेलल है, आप क्या लिखोगे, AD एंड CE आर पैरेलल। ध्यान से देखो AD और CE पैरेलल है और AC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं एक बार ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, जेड फॉर्मेशन, दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल होगा आपका, जहां भी जेड फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे, AD एंड CD आर पैरेलल एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफोर एंगल DAC बराबर एंगल्स ACE इज इक्वल टू x। रीजन में क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे हम, इंटीरियर अल्टरनेट। अब सिमिलरली देखो AD और CE पैरेलल है और BE आपका एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, पहले हमने AC को ट्रांसवर्सल लिया था, अब हम BE को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। AD और CE पैरेलल है और BE आपका एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ एक ही लाइन में अगर एंगल बने तो उसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो भी सेम होता है, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो आप क्या लिखोगे, AD पैरेलल CE एंड BE इज ट्रांसवर्सल, देयरफोर एंगल BAD बराबर एंगल AEC x, यहां क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, तो देखो आपका ट्रायंगल CAE में देखो तो ये भी x आ गया, ये भी x आ गया, दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब उनके दोनों अपोजिट साइड भी सेम हो जाएंगे, तो अब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल CAE एंगल ACE बराबर एंगल CEA या AEC, जो भी आपका इच्छा लिखने का, दोनों ही x हो गया, तो ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, AE बराबर AC, यानी आप क्या बोल सकते हो कि CAE is an isosceles triangle, तो आप क्या लिखोगे, ये इंप्लाई करेगा CAE is an isosceles triangle। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, ये था मेरा नंबर 24। नंबर 25 जो है ये मैं स्किप कर रही हूँ, और क्यों स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 5 का सब पार्ट 2 था जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में कराया है, तो वही सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो का डिट्टो वही सेम है, तो ये आप खुद से करना बिकॉज वही वाला है, तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर 26। नेक्स्ट देखो बच्चे 26 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में D इज अ पॉइंट ऑन BC, D जो है BC पे आपका एक पॉइंट है, इस तरीके से ये पॉइंट लिया गया है कि AB इक्वल हो गया है BD के, इक्वल हो गया है AD के और इक्वल हो गया है DC के, दैट मींस ये चारों आपस में इक्वल हो गए हैं। आपको शो करना है एंगल ADC, यानी ये वाला एंगल ADC रेशियो एंगल C, इन दोनों का रेशियो 4:1 होगा। कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल
ए बी डी। अगर ए बी डी आप देखो तो देखो तीनों साइड इसका इक्वल है, यानी ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी बराबर है बी डी बराबर है ए डी का, ये मुझे गिवन है। यानी आप क्या लिखोगे, सो अगर ये तीनों बराबर है बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है बच्चा, 60 डिग्री। देयर फोर एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। अब आते हैं ट्रायंगल ए डी सी में, क्योंकि ये दोनों एंगल मेरा ए डी सी ट्रायंगल में है। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में देखो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 180 में से 60 को माइनस कर दो। एंगल ए डी सी अगर मैं निकालूं तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, कितना आ जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है, अब ए डी सी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ए डी और डी सी साइड आपस में सेम है। क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू डी सी। यानी ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, ये दोनों एंगल आपका सेम होगा। आपको एंगल सी निकालना है तो एंगल सी निकालो। एंगल सी कैसे निकालोगे, 180 में से 120 को माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तब ना दो इक्वल पार्ट में ये बटेगा। यानी 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30 डिग्री दोनों एंगल आ गया। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, यानी एंगल ए डी सी रेशियो एंगल सी अगर आप निकालना चाहो तो 120 रेशियो 30, यानी देखो 4:1 आ गया, कितना इज इक्वेशन था। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 27। नेक्स्ट देखो नंबर 27 क्या है, ये आपको ऐसा कुछ फिगर गिवन है, ठीक है, आपको इसमें से ए और बी फाइंड आउट करना है। ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन में से आप देखो क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले ट्रायंगल एईसी में एसी और ईसी साइड सेम है, दैट मींस एईसी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल एईसी आपका एई बराबर ईसी गिवन है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी अगर ये 68 है तो ये दोनों बराबर होगा, जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। यानी ये इंप्लाई करेगा एंगल सी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई सी के। तो कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर दो 68 को और डिवाइड कर दो, 180 में से माइनस कर दो 68 को और डिवाइड कर दो 2 से, यानी कितना आ जाएगा, 10 में से 8 2, 7 में से 6 1 बाय 2, 56 डिग्री। यानी ये भी आ गया आपका 56 और ये भी आ गया आपका 56। अब ए इजिली फाइंड आउट कर लोगे, कैसे करोगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम 180 है, तो 180 में से 56 को माइनस कर दो, ए आपका आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। ये आया 4, ये आया 3 और ये आया 1, 3 बोल रही हूँ सॉरी, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 124 डिग्री। क्लियर, एंगल ए आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बच्चों, एंगल बी। तो देखो ए बी और सी डी आपका पैरेलल है और बी सी ए बी और सी डी आपका पैरेलल है, ए बी और सी डी आपका पैरेलल है और बी सी एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और वो आपस में सेम होगा। यानी अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो बी मेरा आ जाएगा। तो पहले उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ई, ए बी ई कैसे निकालोगे, तो ये 14 है, ये अभी हमने निकाला 124, दोनों को प्लस करो और 180 से माइनस करो, 180 डिग्री माइनस 124 प्लस 14, यानी 180 माइनस 448 213 और 1 माइनस करो 2, या आया आपका 7, 7 में से 3 माइनस करोगे 42 डिग्री। यानी कितना आ गया आपका 42 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी ई इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, और रीजन चाहो तो लिख सकते हो इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्लियर, समझ में आ गया।
अब इसका एक और फिगर है दो पार्ट इसमें, तो पहला वाला कॉपी कर लो फिर मैं इरेज करके सेकंड वाला बता देती हूँ। तो 27 का पार्ट टू का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से कुछ फिगर है, आप इसका नेम दे दो ए बी सी डी ई। क्लियर, ये हमने इसका नेम दे दिया। आपको फाइंड आउट करना है ए और बी का वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ये मेरा ये दोनों ट्रायंगल में, तो सबसे पहले आपको दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करके इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना पड़ेगा। और कंग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो सेम टू सेम अगर आप ध्यान दो तो नंबर 11 क्वेश्चन देखो, नंबर 11, नंबर 11 में सेम आपका वही है जिसमें मैंने कंग्रुएंट प्रूफ करने बताया है, सेम यही फिगर है। अगर आप बुक टर्न करके पेपर टर्न करके देखो तो सेम वही फिगर है, मैंने वहां पे कंग्रुएंट प्रूफ करने बताया है कैसे करेंगे। मैं फिर भी एक शॉर्ट हिंट्स दे दे रही हूँ कैसे करना है आपको। आपको लिखना है ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी ई। पहला तो आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। दूसरा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, दो मिल गया। और तीसरा मुझे एक और एंगल चाहिए तो ये वाला, अगर दो इक्वल एंगल है तो उनके एक्सटीरियर एंगल भी बच्चों सेम होंगे, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, यानी दो एंगल और एक साइड लेकर हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे बच्चों, कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रही हूं, ये आप प्रूविंग करोगे, आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। कैसे कंग्रुएंट करना है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर दोनों कंग्रुएंट हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हो जाएंगे, यानी ये इंप्लाई करेगा बी डी बराबर सी ई, यानी ए इज इक्वल टू 3b। तो a माइनस 3b इक्वेशन वन, ये पहला इक्वेशन, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ये क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी। और दूसरा क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, ए डी इज इक्वल टू ए ई, यानी 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 7b माइनस 1, 2a माइनस 7b इज इक्वल टू, इस प्लस 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस 3 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन में मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने का तीनों मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसमें डिटेल में वीडियो भी अवेलेबल है। तो जो चीज़ ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं उसे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसे सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, जहां तक ये हो जाना चाहिए बिकॉज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमने इसे बहुत डिटेल में समझा है। तो इसी के साथ हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल का सेकेंड एक्सरसाइज 10b जो कि काफी लेंथी था, जिसके लिए ऑलरेडी 3 वीडियोज लग गए, वो आज फिनिश होता है। टोटल अगर आप देखो तो 3 घंटे का क्लास था, मैं चाहती तो इसे शॉर्ट में कर सकती थी बट आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने 3 आर पूरे 3 घंटे लगाकर इसे बहुत डिटेल में बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज डाउट क्लियर नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आप हंसी मजाक के कंटेंट को इतना ज़्यादा शेयर करते हो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करता, तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट जिसे बनाने में इतनी मेहनत लगती है आपको उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें और ज़्यादा प्यार देते रहो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।